हाँ जी बिस्मिल्ला पढ़ो जी। 5 किलो नूडल इन सुट्टो ओहदे विच मिक्सर च। ठीक हो गया। हुण ओह जग छोटा फड़ो, इहनू पिछे कर दो, उहनू टेयर करो, लैवल करो। है उपर, है उपर रखो, रख दो पैमाने समेत रख दो, टेयर करो उपर कॉर्नर नाल। हाँ जी हुण इहदे विच ग्लैसरीन पाओ 50 ग्राम। बस 50 ग्राम कास्टर ऑयल पाओ इहदे विच 75 ग्राम पाओ। ये प्याज बाकी ढक्कन है सुटो। 75 पाना है, 75 5 ग्राम और बस। चलो इहदे च हुण शैंपू बेस पाओ 50 ग्राम। ऐ शैंपू बेस पई बस हूँ ये खुशबू पाओ 50 ग्राम। ऐ खुशबू पी ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਪਾਓ ਜੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੈ ਪਿਆਜ ਥੋੜ ਦੋ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਟੈਟੀਨੀਅਮ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ। ਸੁੜਦਾ ਹੁਣ ਬਸ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾ ਦੋ। बहुत जिंक बड़ा हल्का है। चलो उन्हें मिक्स कर दो अच्छी तरह सारिया चीजा। कमाने ना मिक्स कर दो।
ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ सिलिकेट है ये 50 ग्राम हम पर केजी के हिसाब से डाल रहे हैं। चलें शुवाक भाई इसको डालें, पकड़ लें, इसको फेंकना नहीं है, ये मोटा सिलिकेट हम यूज़ कर रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें ऐसे। एक सिलिकेट 48 डिग्री का होता है, वो लिक्विड शेप में होता है, एक 46 का। इसमें टालकम पाउडर अभी डालें 40 ग्राम पर केजी के हिसाब से, यानी 200 ग्राम आएगा। ये शफाक भाई हैं, सराय आलमगीर से आए हुए हैं सीखने के लिए, 200 ग्राम पाओ जी। चल कोई इशू नहीं, ये भी थोड़ी देर बाद आई है। ये हमारा मिक्सर में मिक्स हो रहा है मटीरियल, इसको कम से कम 5-7 मिनट के लिए मिक्स होने देंगे, उसके बाद हम इसमें टालकम पाउडर डालेंगे और 5 मिनट उसको भी देंगे मिक्स होने के लिए। ये शफाक भाई हैं, इन्होंने भी मशीनी लगाई हुई है, ये आए हैं सराय आलमगीर से सीखने के लिए। नहीं चल हाथ ना छोड़ दो, कोई बात नहीं, वैसे वो भी छोड़ देते दे, कोई इशू नहीं। ये अभी हम इसमें टालकम डाल रहे हैं 40 ग्राम पर केजी के हिसाब से। फेंक दे हमने टालकम डाल दिए, तो कम से कम 5 मिनट के लिए और मिक्स होने देंगे। थोड़ा आ जा, हो थोड़ा ये अभी मिक्स हो गया, हम इसको निकाल के तो प्लाटर में डालेंगे ताकि इसकी सेवइयां बना सकें। बेबी प्लाटर स्टार्ट करें आप, नहीं पहले स्टार्ट करो, नहीं ये ऑलरेडी स्टार्ट है, इसको हाँ दबाएं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके हाथ से डालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ऐसे। अभी हम इसमें डाल रहे हैं नूडल और इसकी सोइयां बन के ये निकल रही हैं। फेंक दे ये अभी हमने एक प्रोसेस मुकम्मल कर लिया इसका सोइयां बनाने का, ये खाली है ये देखें। अभी ये शफाक भाई दूसरी दफा इसमें डाल रहे हैं ताकि इसकी दोबारा सोइयां, ये मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं
जिनका साबुन अभी बन नहीं रहा, मैं उनको बार बार बोलता हूँ इसके कम से कम 3 से 4 प्रोसेस किया करें, तो तब जाके इसकी फिनिशिंग ठीक होती है। ये देख रहे हैं ये कितनी प्यारी निकल रही है, नरम है, और इसकी फिनिशिंग देखें। जितना आप प्रोसेस ज़्यादा करेंगे, इसकी सुइयाँ बनाएंगे 2-3 दफ़ा, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और माल बहुत नरम बनेगा, बजाय इसके कि आप 1-2 दफ़ा डालें और उसके बाद बार बना दें फिर बोलते हैं कि सही बन नहीं रहा। माशाल्लाह शफाक भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं सीखने के लिए, अल्लाह पाक कामयाब करे इनको। जी भी और अभी हम ये तीसरा इसका प्रोसेस कर रहे हैं, ये बारीक सवैयाँ बन रही हैं आप देख सकते हैं। ये शफाक भाई डाल रहे हैं इसमें सवैयाँ मोटी, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इसके जितने आप प्रोसेस करेंगे उसकी इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, साबुन अच्छा बनेगा। जल्दबाजी मत करें, आराम से बनाएं, इसके 3-4 प्रोसेस करें, बहुत अच्छा बनेगा। स्पेशली मैं नजीबुल्ला भाई के लिए बोल रहा हूँ, ये अभी हम इसका बार बना रहे हैं, ये शफाक भाई डाल रहे हैं इसमें मटेरियल, देखें ये बहुत ही अच्छा बार बन रहा है, इसकी फिनिशिंग देखें। कहीं से भी ये नजीबुल्ला भाई स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ, ये देखें ये कितना लंबा है डंडा, ये टूट नहीं रहा। ये शफाक भाई अभी बना रहे हैं पंच में, ये देखें माशाल्लाह इसकी फिनिशिंग कैसी आ रही है, अच्छी प्यारी। इसको इधर ये था, ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा, ये पिंचिंग देख सकते हैं, ये देखें इसकी पिंचिंग भाई अभी बार की कटिंग कर रहे हैं लेवल के हिसाब से। ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है, बहुत ही नरम और अच्छा बार बना है देख सकते हैं, ये सब शफाक भाई की मेहनत है।